नमस्कार किसान भाइयों, आज हम देखने वाले हैं सोलर सबमर्सिबल पंप का अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि 80 वाट पर चलने वाला सबमर्सिबल पंप है। उसमें जो कुछ एक्सेसरीज आते हैं वो आज हम देखेंगे। वो इसमें धूप कंपनी के दो सोलर पैनल आते हैं और उन सोलर पैनलों को फिट करने के लिए उसके साथ दो स्ट्रक्चर आते हैं, जो कि सोलर पैनल स्ट्रक्चर है ऐसे, जो कि वो स्ट्रक्चर है ऐसे फिट होता है और इस पर पैनल माउंट होता है इस पे। उसके साथ ही 100 फीट का पाइप आता है, ये दूसरा सोलर पैनल है उसका। और इस बॉक्स में हमारा पंप है और उसके साथ ही 100 फीट का वायर और कुछ एक्सेसरीज है जो हम आपको दिखाएं। जो हम सबमर्सिबल पंप का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, उस बॉक्स में पावर बैंक, ये सबमर्सिबल पंप है जो कि डबल स्टेज में आता है, ये उसका 100 फीट के हिसाब से वायर, उसके साथ ही दो एलईडी बल्ब और ये कैप है जो कि बोरवेल पे बैठती है। ऐसे सब एक्सेसरीज सोलर सबमर्सिबल पंप के साथ आती है। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम देखेंगे डेमो वीडियो ऑफ सोलर सबमर्सिबल पंप 0.25 HP। ये देखिए किसान भाई, अभी ये बोरवेल में छोड़ रहे हैं, हम अभी ये 100 फीट नीचे छोड़ रहे हैं पंप। ये ऐसा सिस्टम चाहती है और ये जो हम कैप देते हैं बोरवेल की, वो ऐसे ऊपर बैठती है। हमने पीछे आप देख सकते हैं दो सोलर पैनल कनेक्ट हुए हैं। अभी ये पंप शुरू कर रहे किसान भाई, देखो कितना पानी आता है 100 फीट गहराई से। आप इसको 200 फीट भी छोड़ सकते हैं। अगर आपका पानी की लेवल बोरवेल की ऊपर होगी, मतलब 100 फीट होगी या 80 फीट होगी, तो उसके हिसाब से आपको वो पानी मिलेगा। अभी ये सिस्टम जो है वो 100 फीट के हिसाब से सब आता है, पाइप, वायर, सोलर पैनल, स्ट्रक्चर। अभी पानी की लेवल लगभग 50 फीट है और हमने 100 फीट तक पंप छोड़ा है। आप 200 फीट भी छोड़ेंगे और 50 फीट तक अगर पानी की लेवल होगी तो भी इतना ही प्रेशर देगा। अगर 100 फीट के नीचे पानी की लेवल जाती है और आपका पंप 200 फीट की गहराई पर है, तो पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, ऐसी बात है। ये सिस्टम 100 फीट के हिसाब से बनाया हुआ है। उसके नीचे भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पानी की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है उसके बाद। ये दिन भर सोलर पे चलता है और आप इसे बैटरी पर भी चला सकते हैं या रेगुलर एसी सप्लाई का भी यूज़ करके आप इसको चला सकते हैं। उज्ज्वल देखिए कैसे चलता है ये सिस्टम।